अभी कल ही हम फेसबुक लाइव पेज पे अपने हम देख रहे थे कि एक जो गया साइड के दो युवा हैं समर प्रताप सिंह और एक उनका नाम है एक और का नाम मगैया जवान के बारे में मगैया जवान के बारे में तो यहाँ पर तो कलाकार उनको खुलेआम धमकी दे रही है। तो आप कलाकार होकर के अगर आप इस ढंग का अगर समाज को संदेश दीजिएगा कि हम ये देख लेंगे दिखा देंगे, ये क्या अनसी बात है? क्या लोग अगर अपने अश्लीलता के बारे में आपको अगर समाज में एक नया संदेश देने का काम करें तो आप उसको धमकी दीजिएगा? ये कहाँ तक के संविधान में कहीं पर लिखा हुआ है कि आप कलाकार हैं तो आप किसी को भी दिन दहाड़े उठवा लेने की धमकी दे देते हैं? किसी को मन आया तो उसके मम्मी के ऊपर गाना गा देता है, किसी को उसकी बहन के ऊपर गाना गा दे रहा है, क्या चल रहा है भाई? ये समाज है या फिर समाज ये कौन सा समाज है? मैं ये सरकार से भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और आम पब्लिक को भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी समय है। अगर समाज को अगर एक नई दिशा आने वाली पीढ़ी को अगर एक नया दिशा देना चाहते हैं तो कृपया करके अश्लीलता के खिलाफ एकजुट हो जाएं, अश्लीलता को ख़त्म करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 और हम हैं आपके साथ गौरव कुमार। आज बात करेंगे भोजपुरी गानों पर। भोजपुरी गानों पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि भोजपुरी गाना आजकल बहुत चर्चा में है कुछ दिनों से। भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत अश्लीलता होती है। वो अपने माँ बहन फैमिली के साथ हम बैठ कर नहीं सुन सकते कि कितनी सारे उसमें भद्दे भद्दे ये बात होती है कि अगर उसका डबल मीनिंग करके देखा जाए तो वो उस बात को इस तरीके से रख देते हैं लोग जो भोजपुरी सिंगर हैं चाहे जो भी हैं। नाम तो बहुत सारे मार्केट में पड़े हुए हैं तो पार्टिकुलरली एक नहीं, ये पूरे भोजपुरी समाज से मैं ये विनती कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस अश्लीलता को रोकने में मदद कीजिए और अश्लीलता को बंद कीजिए ताकि लोग आप अभी भोजपुरी बजा रहे हैं गा रहे हैं सुन रहे हैं बना रहे हैं, इसके पहले भी भोजपुरी थी, इसके पहले भी भोजपुरी गाना आते थे। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी गाना अश्लीलता शुरू से ही है, लेकिन अश्लीलता इधर देखने में ये 2010-2012 के बाद इतनी भद्दी भद्दी आ रही हैं कि अब लोग इसको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि खास करके हम जैसे युवाओं इसको तो हम लोग कभी भी पसंद नहीं करते हैं। आई डोंट लाइक। फैमिली के साथ देखते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। कभी नहीं देखते? नहीं नहीं, क्योंकि मेरे घर में माँ बहन है ना, मेरी मम्मी मेरे माँ बहन आंटी बगल की जितनी लड़कियाँ वो सबको तो इज्जत है ना। जितने जोर से बॉलीवुड के गाना आप बजा सकते हैं वॉल्यूम तेज करके, जिस तरह से 90 के गाना सोनू निगम का ये सब का गाना, हाँ। तो क्या भोजपुरी का गाना बजा सकते हैं? नो, कभी नहीं। इसके मैंने तो बोल दिया ना कि भोजपुरी ये नहीं है कि भोजपुरी स्टार्टिंग से अश्लीलता है, भोजपुरी अब अश्लीलता फैल रही है, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारे लड़का लोग को देखते हैं बहुत कम उम्र के, हमसे भी छोटे उम्र के लड़के लोग ये डबल इंडिकेटर क्या क्या वो सब भगवान जाने क्या क्या गा देते हैं, उसका अगर उसी से अगर अर्थ पूछिए ना तो वो भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको जो है सो बस एक बता दिया गया कि एक सोशल साइट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तुम कुछ भी गा दोगे तो तुम स्टार बन जाओगे। लेकिन ये गलत है, उनकी धारणा जो है ना, ये सोच उनकी बहुत गलत है। वो एक आध गाना जो गलत है, मतलब अश्लील वाला गाना कोई? देखिए देखो, मैं तो अभी तक गाना वो इतना सुनता नहीं, बस एक आध अगर कहीं रास्ते से गुजर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं कान नहीं बंद करके चल सकता हूँ ना या आँख नहीं बंद कर सकता हूँ। ऑटो वाले को देखिए तो उतनी भद्दी भद्दी लड़की लोग लेडीज लोग को बैठा लेता है और रास्ते में वह इतनी भद्दे भद्दे गाना बजाते हैं कि लोग जो है मजबूरन उतरने पर मजबूर, लेकिन क्या करे सारे समाज तो वही चीज़ बजा रहा है ना। अश्लीलता अगर सपोज दैट आपके थाली में अगर किसी गलत चीज़ को परोसा जा रहा है तो लोग क्या करेंगे? अगल बगल सारे तो वही परोसा जा रहा है ना, तो प्लीज़ इसको बंद कीजिए। हम ये और भी लोग हैं उनसे बात करते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रोशन हुआ। क्या हुआ? रोशन, रोशन। मेरा भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं, फिलहाल भोजपुरी गाना तो सुनते नहीं है, बहुत ही कम ही सुनते हैं। भोजपुरी गाना में इतना ज़्यादा ही कुछ ये रहता है कि सुनने का इच्छा नहीं करता। क्या रहता है? मतलब अश्लीलता बोले उसको बहुत बे मतलब का बात सब रहता है, वो फैमिली के साथ सुन भी नहीं सकता है लोग। जैसे ना, जैसे मैं इंडिकेटर हुआ क्या, मतलब इशारा कहाँ जाता है, डबल मीनिंग पे जाता है, वो सब गलत चीज़ है, ये सब रोक देना चाहिए। खास करके भोजपुरी गाना मतलब ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा है, अच्छा एंटरटेनमेंट मूवी बनाता है बहुत सारा, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो जिसको सुनने लायक नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। बस यही निवेदन है कि उन लोगों से कि ये सब गाने को ज़्यादा ये सब गाना ना गाए, अच्छा अच्छा गाना गाए ताकि लोग पसंद करें उसको फॉलो करें। लेकिन नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे जो सिंगर सब है वो सब कुछ भी गा देते हैं, ट्रेंड हो जाता है, सब वही बजाता है, तो ये सब गलत चीज़ है। खास करके जब रोड पे निकलता है ऑटो वाटो हुआ जो भी है वहाँ सब पे बजते रहता है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह हुआ है बजते रहता है, तो ये सब थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए। हुआ? मेरा नाम पिंकू हुआ। पिंकू? पिंकू, हाँ। भोजपुरी गाना सुनते हैं? हाँ, सुनते ही हैं, काफ़ी दिन से। सुनते हैं? गाड़ी में बजाते हैं? गाड़ी में बजाते हैं, गाड़ी तक बजा सकते हैं। गाड़ी तक बजा सकते हैं? घर में नहीं? घर में तो सुनने लायक गाना होता है नहीं।
घर में सुनने के जो जनरेशन का जो फिल्म पिक्चर जो आ रही है, जितने भी पिक्चर आ रही है, सब घर में सुनने लायक नहीं है। सुनने लायक नहीं, जो पहले का जो पिक्चर था नदिया का पार हो गया, जो जो अंकित है, घरेलू पिक्चर जो बनते थे, चाहे हम लोग घरेलू पिक्चर देखते थे, घर द्वार हो गया, वो तो सामाजिक पिक्चर होने के सबको लोग बैठ के इन्जॉय करते थे, सबको लोग बैठ के ही घर में इंटरटेनमेंट भी करते थे। अभी के डेट में क्या है कि अभी आप कुछ भी पिक्चर देख रहे हो, गाना भी देख रहे हैं तो नहीं देख पाते, फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बच्ची है या बच्चियाँ पत्नी हो, क्यों? क्योंकि असली गाने होते हैं, असली सीनें उनकी होती हैं, कहीं भी उनकी सीन बहुत तरह अभी एकदम जो भी बन रहा ओपन बन रहा है, कुछ है नहीं, जो भी पिक्चर बन रहा तो भाई मतलब जो भी पिक्चर बनना का कारण वही है, असली गाना है उसमें सीन भी कुछ। जैसे कोई एक गाना, कोई गाना हो, खिसाया का गाना तो बहुत रहा है जो इंसान इंजॉय भी करते हैं, हम अकेले भी इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकते, या बच्चे के साथ इंजॉय नहीं कर सकते। तो लोग इतना उनके उनके गाना पे इतना व्यूअर्स आ जाते हैं, आखिर कैसे आते हैं कि भाई उनकी चाहते होते हैं, वो भी जानते हैं, जिससे जो व्यूअर्स आते हैं वो भी जानते हैं कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ, घर के अंदर वो भी नहीं देख पाएंगे, बाहर में इंजॉय कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर खूब सुन सकते हैं, तो भोजपुरी के जो आदि हैं सुनने वाले, हम तो कभी कभी भोजपुरी कम मारते, बाकी तो हम लोग फिल्मी गाना का ज़्यादा दुनिया है। मतलब भोजपुरी को, भोजपुरी गाना को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते? घर में बजाते ही नहीं, हमको बजाना होता हो तो फिर अपने सिंगल रूम में करके बजा सकते हैं। क्यों, आपको बजाने में शर्म आता है? जी, इसीलिए तो उनको बनाने में शर्म नहीं आता, आपको बजाने में शर्म आता है? गाने का कोई अर्थ नहीं होता है ना उसका, गाने के माने मतलब है नहीं, खाली म्यूजिक ही चल रहा है, उसी पर म्यूजिक चलते आ रहा है, म्यूजिक का हम लोग आनंद उठाते हैं, बता कुछ नहीं। मतलब बोल, बोल जो होता है वो क्या होता है? बोल क्या होता है? बोल का, बोल क्या जो गाने बहुत होता है, बोल की भाई अच्छे भी कहीं लगते हैं, कहीं बात करते हैं, कहीं घर के अंदर लगता है बेकार है, बजाएंगे तो असर बगल पड़ोस सुनने लगेगा, सुनेगा तो मेरा ही बेइज्जती होगा, कौन है बगल में बस गया भाई, ये जो अश्लील गाने सुन रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि मैं गाना क्या बजा रहा हूँ, उनको जो घर में जिनका जो नेचर है वो करेंगे, उनको तो पता ही नहीं चलता। देखिए बहुत से लोग हैं कि जहाँ जो रहने वाले जो हैं आस पास में, तो छोटा मोटा झोपड़ा झोपड़ी में पूरा लोग इन्जॉय करते हैं, वो घर में फैमिली के साथ भी इन्जॉय करते हैं, गाने को घूम नाचते भी हैं, उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए तो बेटर है ना। अब बाकी लोग तो गाड़ी में बजाते हैं कि नहीं, फैमिली लेके जाते हैं तो? गाड़ी में कभी कोई बजाता है, ज़्यादातर फिल्मी गाना बजाते हैं, फैमिली फैमिली लेके जाते हैं तो नहीं। क्या नाम हुआ भैया? कुणाल कुमार सिंह। भोजपुरी गाना आप सुनते हैं? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि है उसमें उस तरह का कंटेंट नहीं रहता है म्यूजिक में जो कि सुन सके, सामाजिक थोड़ा सा बर्गलर टाइप का रहता है, इसलिए नहीं सुनते हैं। भोजपुरी गानों को फैमिली के साथ सुन सकते हैं? कुछ कुछ गाने हैं जो पहले वाले जो थे, भरत शर्मा, विनय बिहारी वगैरह जो थे, उस टाइम का गाना जो था वो अच्छा था, वो सुन सकते थे, लेकिन अभी के जो गाना जितने भी आ रहे हैं वो गाने अच्छे नहीं हैं और हम लोग फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं उसको। जैसे मैं कौन सा जैसे में बहुत सारे गाने हैं, गाने हम क्या बता सकते हैं, आप देखिए, अब खेसारी लाल का भी गाना बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे पवन सिंह का भी गाना ऐसा है बहुत सारे जो कि आप नहीं सुन सकते हैं उसको, आपको गुंजन सिंह है, गुंजन सिंह है वो भी है, बहुत सारे गाने आप भी नहीं सुनते हैं? इस सब का गाना पवन सिंह का गाना सुनते हैं केवल, गुंजन सिंह, खेसारी लाल यादव का गाना नहीं सुनते हैं, सब रफली गाता है, रफली गाता है। आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते, आप भी सोचिए ना क्या क्या गाना गाता है, टरपटर चोप घोप क्या क्या ये सब गाता है, तो आप नहीं सुन सकते हैं। और जितना भी उसका मतलब वीडियो बनता है, मतलब लुक लाइक पोर्न मूवी के तरह रहता है, आप सोच सकते हैं, तो फैमिली के साथ देख भी नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल बायकट करना चाहिए उन लोगों को, सब लोगों को करना चाहिए जितना भी, और खुलेआम धमकी दे रहे हैं लोग के, उन लोग गुंजन सिंह हो गया चाहे लोग और कुछ, खेसारी लाल यादव, तो संग तो आप गलती की है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हम गलती किए हैं, लोग से माफ़ी मांगिए। भोजपुरी गाना तो पहले भी आता था, लेकिन पहले भरत शर्मा उस मिर्गुन गाता था, अच्छा अच्छा गाना रहता था, या कल्पना भी गाती थी तो अच्छा गाना था, अब ये लोग जो चोप घोप देव यही सब तो गाना गाता है भाई, तो ये सब गाना सही ना है ना। क्या नाम हुआ अभी आपका? शाश्वत। भोजपुरी गाना आप सुनते हैं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों? अब भोजपुरी परिवार में सुनेंगे तो लंबा नहीं लगेगा। बात सही है, बात सही है, भोजपुरी गाना सुनेंगे समाज में, फैमिली में तो मारने लगेंगे। अरे भैया भोजपुरी गाना का इतना अश्लील बन रहा है, कुछ पूछिए मत। क्या अश्लील बन रहा है? जैसे कोई भी एक गाना जो आपको याद हो अश्लीलता वाला। कमरिया करेला पलोप। ये वो गाना बढ़िया लगा है, नदिया का पार वाला। अच्छा, उसमें गाना से बढ़िया बढ़िया है सुनने का मन तो वही सुनते हैं। एक बात बताइए, जो भोजपुरी गाना बन रहा है जो अभी, क्या वो फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? कभी नहीं। नहीं भैया, वो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अच्छे कैटेगरी से होंगे, जिनको माँ बाप संस्कार सिखाया होगा, वो कभी नहीं देखेगा कि बाप के सामने गाना सुनेगा।
हम लोग घर में ऐसा नहीं बजता है, भोजपुरी गाना हम लोग। गुंजन सिंह बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनको हमारा मैसेज है कि आप बहुत गलत गाते हैं, बहुत गलत। आप वो जो बोल रहे हैं कि हम मगही गाना गाते, मगही को बदनाम कर रहा है, मगही गाना वो सब नहीं है जो गाता है। ये अभी गाना गाया था मैया रे मस्टरवा मांगे चूमा मैट्रिक पास करे के, ये ओकर माई बाप सिखाया है ना, तो ओकर वो बेटी बहन जाता होगा पढ़े तो मस्टरवा मैट्रिक चूमा लेके पास कर दिया होगा, यही बात है। हमने के घर में तो ये सब ना है, तो ये सब बहुत गलत है। नहीं भाई, हम पसंद नहीं है, नहीं हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं सब गाना। और अगर सुनता है आदमी मगर फैमिली के साथ नहीं सुनता है। जब बैचलर, हम चार दोस्त बैठे हैं तो जब बैचलर है सुन लेता है, यार आदमी तो सुनता है। भोजपुरी एक्टर जितने भी एक्ट्रेस है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे गाना लेकर के आइए, हम लोग अच्छे से बैठ के घर में सुनेंगे, फैमिली के साथ सुनेंगे और थिएटर में सुनेंगे, सब जगह सुनेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कंटेंट अच्छा लेकर के आइए जो कि हम लोग को पसंद हो, अच्छा लगे। भोजपुरी गाना सुनते हैं? बहुत सुनते हैं। सुनते हैं? हाँ। फैमिली के साथ सुनते हैं? फैमिली के साथ तो नहीं, लेकिन ऐसे सुनते हैं। ऐसे सुनते हैं? हाँ। फैमिली के साथ क्यों नहीं सुन सकते हैं? फैमिली के साथ कभी ऐसा मौका नहीं मिला, हम फैमिली के साथ टीवी नहीं देखते हैं, तो भोजपुरी गाना अलग चीज़ है। ऐसे जो भी है टाइम हमको फ्री रहता है उसमें हम सुनते हैं, हालांकि सुनने लायक उतना नहीं रहता, अश्लीलता से भरी गाना आजकल ये आपके जितने भी गायक हुए, गुंजन सिंह हुए, पवन सिंह हुए, आपको खेसारी लाल यादव, अंतरा सिंह, प्रियंका जो भी हैं, प्रमोद प्रेमी जो भी हैं, ये सब थोड़ा वल्गर गा रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे सुधर जाएंगे समाज। वल्गर में क्या गा रहे हैं? मैंने अब कहा हम बोलते कौन सा गाना, मैंने सब गनवे इनके लोग, एक को गाना सही नहीं थे। भोजपुरी गाना सुनता है? नहीं 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 सुनता है। क्यों? वल्गर होता है इसलिए। वल्गर होता है? हाँ। क्या वल्गर होता है? मतलब उसका कंटेंट जो भी होता है वो वल्गर होता है। अच्छा एक बात बताइए, भोजपुरी गाना को हम लोग फैमिली के साथ सुन सकते हैं आप लोग? नहीं नहीं सुन सकते। नहीं सुन सकते? नहीं। काहे? क्योंकि उसका कंटेंट मतलब ज़्यादा ऐसा होता है कि जिसको फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हैं। नहीं सुन सकते? हाँ। अच्छा 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 भैया आप बताइए, भोजपुरी गाना सुनते हैं? नहीं नहीं सुनते। नहीं सुनते? नहीं। काहे? भोजपुरी सही तो बता रहा है भाई ने, बताया कि उसका कंटेंट बहुत बेकार रहता है, कि आप घर में किसी के सामने पूरा मतलब ओपनली सब चीज़ बोला जाता है, जिसको अगर सही तरीके से भोजपुरी आता है वो सुनना नहीं पसंद का, घर में अगर कोई गाना बजता भी तो बोलेगा बंद करने के लिए। खासकर अभी के पटना उटना में भोजपुरी उजपुरी तो बहुत कम सुनते हैं, जो उधर छपरा सिवान साइड के लड़का लोग हो गए, आरा वारा के, वो सब ज़्यादा भोजपुरी में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा आप अपने घर में भोजपुरी गाना बजा? नहीं, मेरे भोजपुरी लाइक ही नहीं करते भाई, कोई मेरे यहाँ भोजपुरी कोई लाइक ही नहीं करता। भोजपुरी गाना क्या, भोजपुरी मूवी एक आधी दो गो मूवी है जो देखे हैं फैमिली लोग, वैसा और कोई सा मूवी ऐसा नहीं है कि कोई देखे ना गाना वाना, वैसा मूवी नहीं आया। आप लोग को भी पता ही होगा भोजपुरी में जब भी आता कोई होली वोली का गीत, आप भी नहीं सुनते होंगे हमारे ख्याल से, तो हम यही बताए कि भोजपुरी गाना घर में सुनने लायक नहीं होता। हाँ। भोजपुरी गाना आप सुनते हैं? खूब सुनते हैं। खूब सुनते हैं? हाँ। फैमिली के साथ बैठ के सुनते हैं? फैमिली के साथ नहीं सुनते हैं। लेकिन अब भोजपुरी गाना सुनना आप बंद कर दिए हैं, अब भोजपुरी गाना तब सुनना शुरू करेंगे जब वो सिंगर और एक्टर जो भोजपुरी के हैं वो अपने घर में जिस दिन अपने लोगों के साथ बैठ के वो गाना शूटिंग और रिलीज करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम फिर भोजपुरी गाना सुनना और फिल्म देखना शुरू करेंगे। कौन 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 सी? कोई सिंगर हो, कोई सब सब एक ही है। कौन कोई सिंगर का आप नाम बताइए जो बढ़िया गाना गाता हो भोजपुरी में? अच्छा भोजपुरी तो पहले भी बजता था। हाँ तो वो गाना आज भी बजता है? अच्छा घर में भी बजता है। तो अभी अभी जो भोजपुरी बज रहा है उसमें क्या अंतर है? उसमें अंतर आप सुनते हैं भोजपुरी गाना है? एक आपको गाना का नाम बताइए आप। गाना वजह है कि आपको उसको उसके शरीर शारीरिक ढंग ढांचा जो है उसके ऊपर गाना बनाया जा रहा है, जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं प्राइवेटली पब्लिकली नहीं, तो अगर कोई गाना में उस चीज़ को डाल रहा है तो फिर उसको सोचना चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ें क्या पब्लिकली इसको हम ला सकते हैं। जैसे जैसे सेक्स करना है सब कोई जानता है कि करता है, सब कुछ जानता है, लेकिन पब्लिकली बात नहीं करते ना आप उस पर, तो आप उस चीज़ को गाना में कैसे ला सकते हैं जिसको आप खुद ही नहीं पब्लिकली सुन सकते हैं? क्या जो सिंगर है वो सुन सकता है अपने घर में बैठ के अपने लोगों के साथ, या कहीं पब्लिक प्लेस पे वो बजा सकता है कि ये गाना हम गाए हैं, बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं और हमको बहुत इज्जत दीजिए? आपके दरवाजे पर बैठ के वो सिंगर आएगा गाना प्रोग्राम करने के लिए, आप प्रोग्राम करने का इजाज़त देंगे? इसमें कमी सबसे बड़ा है ऑडियंस का, ऑडियंस को देखना चाहिए कि हमको क्या तो चाहिए। वो जो गाना बनाते हैं तो इतना व्यूअर्स कैसे होता है? वही तो बता रहे हैं ना, व्यूअर्स का गलती है कि एक बार क्लिक किसी भी चीज़ पे कर देता है, और इसमें लाइक डिसलाइक का सिस्टम है, नोटिफिकेशन का इशू है, इसके वजह से बहुत सारे लोग लाइक डिसलाइक और सब्सक्राइब करने के चक्कर में नहीं जाते हैं। अब कुछ भी है देखता है तो एक बार क्लिक कर दिया, वीडियो एक दो मिनट रन किया
उसके बाद आगे उसमें व्यूज उनको मिल जाता है, क्योंकि वीडियो तो अगर हम यूट्यूब चला के और ऑटो प्ले कर देंगे तो वो तो जब तक छोड़ देंगे, जब तक चार्ज रहेगा फ़ोन, नेट कनेक्ट रहेगा, बजते रहेगा, तो क्या हम सारे गाना का व्यूज काउंट कर लेंगे कि हम वो सारा का व्यूअर है उस चैनल का और उस पर्टिकुलर जो भी उन्होंने जो रिलीज किया है उसका व्यूअर माने जाएंगे हम? तो जब गाना वाना भोजपुरी में आता है तो हम लोग कहीं भी बैठे रहते हैं तो कनेक्ट कर पाते हैं उस चीज़ को बड़ा क्विकली, कि एक तो भोजपुरी गाना, उसके बाद छठ पूजा पे एक हमारा आवाज़ मिल रहा है। जब कभी आदमी बाहर रहता है तो उसको अपना आवाज़ सुनाई देता है उतना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब भी कभी किसी को भोजपुरी सुनने को मिलता है, जैसे आप कहीं भी अगर ट्रेवल कर रहे होंगे अकेले, आप आंध्र प्रदेश में अभी घूम रहे हैं, 4-5 महीने आपको हो चुके हैं, लेकिन कभी भी आपको कोई बिहार का आदमी मिलेगा तो आपको बड़ा अच्छा फील होता होगा, पता है ना क्यों? क्योंकि वो लगेगा बिहार से थोड़ा अपना सा लोग लगता है, हो सकता है कि वो आपका भाषा भी बोलने लगेगा, कई बार वो भोजपुरी बोलने में सहज महसूस करेगा कि चलो हम लोग बिहारी है, तुरंत हो जाता है पैचअप के, चलिए अब हम लोग अपना थोड़ा डिस्कस करते हैं, अपना भाषा को, अपनी चीज़ों को याद करते हैं। तो कहीं भी रहता है तो एक इमोशन है और भाषा है और जो हमारी जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब इमोशन से ही जुड़ा होता है। लेकिन जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, जो जो सेंटर फोकस जो इन लोगों का है, वो फोकस ख़त्म हो गया है। यही करना चाहते हैं लोग, कराना चाहते हैं, यही सब कमी है भोजपुरी का।